सेक्टर 9 स्थित तालपुरी चौक एमडी बंगला से बोरसी एवं तालपुरी बी ब्लॉक तक सड़क निर्माण कराए जाने और आम जनता के लिए रास्ता खोले जाने की मांग को लेकर शिवसेना ने सौंपा ज्ञापन। पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से बंद तालपुरी चौक में एमडी बंगला वाले मार्ग को आम जनता के लिए खोले जाने की मांग को लेकर शिवसेना के बैनर तले युवाओं ने दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि बोरसी से आने जाने के लिए अतिरिक्त 4 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पंथी चौक जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ ही बताया कि बंगले में निवासरत अधिकारियों की सुरक्षा का कारण बताकर सड़क को आगे बोरसी जाने के लिए जोड़ा नहीं गया है, जिस वजह से बोरसी एवं आसपास में रहने वाले आम जनता को आपातकाल में सेक्टर 9 अस्पताल आना पड़ता है। इस संबंध में शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने तालपुरी चौक जो है वहाँ पे एमडी बंगला के पास जो रास्ता बंद करके रखा गया है उसके संबंध में शिकायत दिया है। जब से टाउनशिप का निर्माण हुआ है लगभग 30-40 साल से अधिक का समय होने के बाद वो जो एमडी बंगला पे जो रास्ता बना हुआ है वो आगे उसको बंद कर दिया गया है। बोरसी और उसके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं लगभग 30-40 साल से अधिक समय से, जब उनको यदि कोई भी इमरजेंसी हो, इवन सेटेलाइट हॉस्पिटल यदि आना हो, तो वो पंथी चौक से घूमकर 4 से 5 किलोमीटर का अधिक सफ़र तय करके आना पड़ता है। जो एमडी बंगला पे बीएसपी के अधिकारी रहते हैं उनसे बड़े अधिकारी आप देखेंगे कि सिविल लाइन्स जुट में रहते हैं, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय डीजे साहब और अन्य बड़े गजेटेड ऑफिसर का निवास है, लेकिन देखेंगे वहाँ पर रास्ता बराबर खुला हुआ है, आम जनता के लिए कोई परेशानी नहीं। ये जानबूझकर इस रास्ते को बंद करके रखा गया है। बीएसपी के जो मैनेजमेंट है जानबूझकर उसको ध्यान नहीं दिया और आगे रास्ता नहीं बढ़ाएं। ऐसा भी नहीं है कि उसके आगे कहीं पर आपका कुछ बाधा हो या कोई कंस्ट्रक्शन हो जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। टोटल खाली जगह है, वहाँ से उस जो तालपुरी चौक है उसको बोरसी चौक तक या बोरसी तक तालपुरी बी ब्लॉक तक आराम से जोड़ा जा सकता है। हमारी मांग ये है सर कि ये जो रास्ता बंद करके रखे हैं उसको आगे खोला जाए, क्योंकि वो रास्ता को बंद करके रखने से ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुरक्षा का नाम देकर कि बीएसपी के वहाँ अधिकारी रह रहे हैं इसलिए वो रास्ता को बंद करके रखे हुए हैं, जबकि जो मकान जिनका है बीएसपी के अधिकारी लोग का वो रोड के एक साइड है, वो रास्ता अगर खुल जाए और आर पार अगर आना जाना चालू हो जाए तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उनकी सुरक्षा में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, ये निश्चय अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो शिवसेना इसको बड़े आंदोलन के रूप में। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।